हेलो माय सुपर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम जैसा कि बताए थे कि अब अपोकैलिप्स साइड में इस राफ्ट पे हम घर बनाने वाले हैं, सोचते हैं इसकी कुछ तैयारी कर लिया जाए, घर बना लिया जाए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। इसको घर बनाने के लिए इस बार सोच रहे हैं कि हमारा जो एक परस्यूट है, ये परस्यूट परस्यूट हाँ परस्यूट ही है, तो परस्यूट है ये, किधर लिखा है सेकेंड लिटिल फोमिया। इसको होता क्या है कि अब ये अभी तक तो हमने ये जो घास फूस का बनाया है घर, इस बार लकड़ी का बनाने के लिए घर कहेगा, क्योंकि इसके बाद इसी की से बारी आती है, और लकड़ी के बाद आएगा पत्थर का बनाने का, पत्थर के बाद आएगा मेटल का बनाने का। इस तरह से ये लिटिल फोमिया वाला सिस्टम चलता रहेगा, लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एक एक तो परसूट आता चला जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें इसके लिए क्या करना होगा। लकड़ी का बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, और क्या क्या चाहिए इसके लिए, पहले हमें परसूट ऑन कर लेना चाहिए। परसूट ऑन करने के लिए हमें देखते हैं, ये 79 पे जाते हैं और इस पर देखते हैं, 79 एग्जैक्टली देखा जाए तो ये XP है, इन ग्राम्स का है। देखिए क्या है इसमें, ये बैग है, ये हमारा प्रोफाइल आ जाता है प्लेयर का, और इसमें क्या उन कौन सी ड्रेसेस पहनी हुई है, ये सब चीज़ें दिखती लगती है। और इसमें आ जाता है सेटिंग का, ये है इन ग्राम्स का। और इसमें क्या आ जाता है, ये बेंच आ जाता है, इसमें खरीदारी वगैरह के कोई चीज़ खरीदना चाहें आप, खरीदना चाहें तो कोई स्किन खरीद लीजिए इसके लिए। एम्बर की आवश्यकता होती है, देखिए हमारे पास सिर्फ 6 एम्बर है, इसमें भी दिखा रहा है ऊपर 6 एम्बर दिख रहा है, तो हम खरीद नहीं सकते इसके लिए। 25 चाहिए, पर्दे वगैरह चाहिए घर पे बनाने के लिए, गॉड कंसोल, गॉड कंसोल अगर ये लेना होगा तो हमें, मतलब गार्ड कंसोल में क्या होता है, सारी चीज़ें हमें तोड़ फोड़ करनी पड़े नहीं पड़ेगी अपने, ना तो लेबर बनाना पड़ेगा, ना तो बाक्स खोलना पड़ेगा, सब कुछ जो चाहे एक बगल में मेनू आ जाता है, सब कुछ अपने आप ही मिलता रहता है, जो चाहो ले लो तुरंत, तो वो अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा तो क्या खेलना, क्या गेम, क्या कुछ कुछ नहीं। अब इसके लिए क्या होता है कि हम आराम आराम से खेलेंगे, हर चीज़ ढूंढेंगे, हर चीज़ खेलेंगे, और आराम से ही। कितना लेवल है, 17, जाओ जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं, लेकिन है क्या, फीमेल है। तब इस पे हम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे फाउंडेशन वगैरह लगाएंगे, फाउंडेशन लगा करके हम अपना बनाएंगे, इस तरफ शुरू करेंगे। इसके लिए सेल्फ प्लम चालू कर दे क्या, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। अब इसके लिए हाँ, हमने क्या है इनग्राम ओपन करने के लिए ना, तो 79 पे चल के देखते हैं इनग्राम्स कहाँ है, ये इन सबको, इन सभी को तो कर जरूरत नहीं है। अब देखिए अब कहोगे कि ये हमने स्पाई ग्लास जो बनाया था इसका क्या उपयोग है, स्पाई ग्लास कोई दिखा, इसी पर टर्न को देख, टर्न अराउंड को देखते हैं। अभी इस पर टच करेंगे तुरंत देखने लगेगा किधर गया, ये देखिए इसमें देखिए ऊपर लेवल दिखा रहा है, राफ्ट दिखा रहा है, उसकी हेल्थ कितनी है, ये उड़ गया, उड़ गया तब भी देख सकते हैं फीमेल है, किधर गया, इधर ऊपर आ गया, हाँ इसको हम ऊपर से भी देख सकते हैं, इधर गया, देखिए देख रहे हैं कि इसकी कितनी लेवल है, कहाँ जा रहा है, फीमेल है, लेवल 17 है, उड़ रहा है इसलिए इधर उधर हो रहा है, देख लीजिए इस तरह का यूज हो जाता है, इसलिए इसे स्पाई ग्लास का यूज करते हैं। इसको चलिए रखिए जेब में। अब हम इनग्राम ओपन कर लेते हैं, इनग्राम ओपन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये साइन वॉल है, वुडन साइन वॉल, इसको अपने ये ब्रश है, ब्रश से पेंटिंग की जाती है, मल्टी पैनल फ्लैग, ये क्या है मल्टी पैनल फ्लैग, इसका यूज क्या होता है, मार्क क्या है, मार्क योर ट्राइब्स, अच्छा ट्रिटरी एंड शो शो ऑफ योर कलर्स बाय प्लेसिंग दिस फ्लैग एंड डाइंग इट, अर्थात अच्छा मतलब कि एक तरह से देखा जाए कि कई लोग खेल रहे हो साथ में, तो कोई यहाँ पे अपना बेस बनाया है, कोई कहीं और बनाया है, तो वहाँ पे अपने घरों के ऊपर ये इस तरह का झंडा लगा देंगे, ताकि कोई अटैक अटैक करते वक्त वहाँ पे जाए कि ये तो हमारा साथी है, इसको हम नहीं मारेंगे, हमें तो सिर्फ शत्रुओं को अटैक करना है, इस तरह से मल्टीप्लेयर में होता है ये सब चीज़ है। और ये क्या है स्मॉल क्रॉप, स्मॉल क्रॉप प्लॉट में क्या होता है, बर्तन एक तरह का है, इसमें घास वगैरह उगा सकते हैं, खेती वगैरह कर सकते हैं। इसमें क्या है ट्रेनिंग डमी, ट्रेनिंग डमी क्या होता है वो सब बाद में देखेंगे, पहले बेस बना लेंगे। इधर क्या है फ्योमिया सैडल, बनाने की जरूरत नहीं, हमें मिल चुका है पहले ड्राफ्ट में, पैरासोर सैडल है जो हम लोगों ने देखा कि इसे टेम करेंगे,
जिसका अंडा भी उठा लेते थे कुछ नहीं करता था, कार्बनी सैडल जिसको जिसका चोक हमने मारा था पिछले एपिसोड में। आपको आपको पिछले एपिसोड देखना है तो हमारे पिछले वीडियोज़ को देख लीजिए ना, नहीं तो हम लास्ट में स्क्रीन पे लगा देते हैं दाहिनी और बाएं में दो दो वीडियोज़, तो उसमें से जो आपको पसंद हो देख लिया कीजिए। और ऐसे दाहिनी बाईं तरफ अक्सर पहली वीडियो रहती है और दाहिनी तरफ इस वीडियो के जस्ट पहले वाली होती है। देखिए क्या होता है, बाईं तरफ जो रहेगा वीडियो हमेशा फर्स्ट वीडियो रहेगा और जो दाहिनी तरफ रहेगा इस वीडियो के जस्ट बाद वाली वीडियो रहेगी। जैसे कि आप मानते हैं हमारा 10वां एपिसोड चल रहा हो, जैसे मान लीजिए जैसे मेरा 10वां एपिसोड चल रहा है, तो जो बाईं तरफ वीडियो रहेगी वो इधर बताते हैं, जो बाईं तरफ वीडियो रहेगी ठीक है उस ओएस में पहला रहेगा एपिसोड। मान लीजिए मेरा 10वां एपिसोड है ठीक है, मान लीजिए मेरा 10वां एपिसोड चल रहा है, ये जो बाईं तरफ वीडियो होगी उसमें पहला एपिसोड रहेगा और जो दाहिनी तरफ वीडियो रहेगी ठीक है, बीच में तो मेरा सब्सक्राइब करने का रहेगा ठीक है, लेकिन जो बाईं तरफ दाहिनी तरफ वीडियो रहेगी उसमें 9वां एपिसोड रहेगा। मतलब कि ये 10वां एपिसोड है और जो बाईं तरफ रहेगी वीडियो उसमें पहला एपिसोड रहेगा और जो दाहिनी तरफ रहेगी उसमें 9वां, मतलब इसके जस्ट पहले वाला रहेगा। ऐसा हमेशा रहेगा, पहला एपिसोड हमें लगता है एक बार जरूरत नहीं पड़ेगी बदलने की, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि पहला एपिसोड ही हमेशा बाईं तरफ रहे और दाहिनी तरफ मेरा जस्ट इसके बाद। अब यदि यदि वहाँ पर 11वां एपिसोड चलता है, जब यहाँ पर 10वां नहीं 11वां एपिसोड चलने लगा, तो यहाँ पर इसमें 10वां एपिसोड रहेगा और ये पहला का पहला ही रहेगा, लेकिन ये 10वां हो जाएगा। यही हम अक्सर चेंजेस करते हैं, तो ध्यान दिया कीजिए ठीक है। अब जिसको इसके पहले की वीडियो देखनी होगी वो इस दाएं तरफ क्लिक कर लिया कीजिए, और जिसको बाएं तरफ जिसको शुरुआत से देखनी हो बाएं तरफ क्लिक करके अपना वीडियोस देखते रहेंगे। जैसे ही वो अंत होगा उसके जस्ट पहले भी इसी तरह से क्रम बना रहेगा कि मान लीजिए आपने पहला एपिसोड देखा तो बाएं तरफ तो कुछ और हो सकता है लेकिन दाहिने तरफ भी कुछ और हो सकता है, पहले में तो नहीं कह सकते, लेकिन दूसरे वीडियो में इधर भी पहला रहेगा बाएं तरफ भी और दाहिने तरफ भी, और हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, लेकिन तीसरे एपिसोड से सीरियल चलने लगेगा कि बाईं तरफ पहला एपिसोड और दाहिनी तरफ दूसरा एपिसोड और ये रहेगा बीन वाला तीसरा, इसी तरह से चलता रहेगा। फिलहाल आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब हम कब से इनग्राम खोलने की बात कर रहे हैं, इनग्राम अभी तक तो खोल नहीं पाए। अब देखिए यहाँ तक हम इनग्राम के बारे में बात करें, सेडल वगैरह यहाँ से 11वें लेवल से आ गया वुडन फाउंडेशन, इसको ओपन कर लिया, ये वुडन वॉल को ओपन कर लेते हैं। वॉल की ज़रूरत है ऑफ कोर्स, स्टिमुलेंट क्या है, अच्छा इस लाइन का पूरा ओपन ही कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं, कुछ और तो नहीं बचा है। ये सीलिंग हो गया, एक वुडन का खिड़की वाला ओपन कर लेते हैं, ये है विंडो फ्रेम, और वुडन का विंडो फ्रेम तो हो गया, तो वुडन की खिड़की ज़रूरत तो नहीं है फिलहाल, देखते हैं। चलिए इसे भी ओपन कर लेते हैं, सब चीज़ ओपन करना ही है, आज नहीं कल तो क्या, 29 बचा, वो सब कुछ ख़त्म होने पर लगा है, इसको हमें बहुत काम भी है, स्टैंडिंग टॉर्च, चलिए इसका तो मान लीजिए है काम चल जाएगा, इसका नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों क्योंकि हम देख रहे हैं ना ओपन टू कॉन्फिग पे चलते हैं। देखिए स्टैंडिंग का हमें ब्लू प्रिंट मिल चुका है तो हम उसे ओपन नहीं करेंगे, लगभग उतनी ही चीज़ लगेगी जितना इसमें लग रहा है, तो चलिए ठीक है। हम अब देखते हैं क्या करते हैं, हम चलते हैं पहले बूट वगैरह देख लेते हैं कि इसमें कितना लगेगा। एक रैप्ट पे बनाने के लिए हमने अनुमान लगाया है लगभग यहाँ पे लगभग बीच में एक हो जाएगा, एक किनारे तीन, और ऐसे भी इधर हो जाएगा बीच इधर एक किनारे किनारे तीन दुना छः, मतलब कि यहाँ पे देखते हैं कि तीन खड़ी तीन पड़ी, तीन दुना छः तीन त्रिक नौ, मतलब नौ फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, नौ फाउंडेशन की ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, आई थिंक हो जाना चाहिए, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि नौ ही होगा कि इधर दो रहेगा, चलिए देखते हैं जैसा भी होगा देख लेंगे। अब हम चलते हैं, इसको हम बना लेते हैं, सभी चीज़ों को बनाने के लिए क्या करना होगा, बनाने के लिए करना होगा हमें वुड ले लेना होगा,
अरे बुट ज़्यादा ना लें, ना ही फाउंडेशन बनाना है, और थेच लेने ना होगा। पता नहीं फाइबर लगता है कि नहीं, ये किधर गया, फाउंडेशन की बात की है। हाँ फाइबर भी लगता है, चलिए इसे भी ले लेते हैं। आ गया, नौ फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। कितना बन रहा है, पाँच बन रहा है। अब कम क्या पड़ेगा, अभी तो उम्मीद है कि बुढ़ ही कम पड़ेगा, देख लेंगे। अरे बाप रे, ये तो नौ बन रहा है, पांच बन गया तो चार ही ना बनाना है। चार इधर बन गया, अब क्या बनेगा, ये कपबोर्ड भी बना लेते हैं। कम से कम दो तो बना ही लेते हैं कि जरूरत पड़ सकती है, और दीवार बना लेते हैं। अच्छा तो दीवार कौन सी बना लिया जाए, इसको बना ले, कौन सी दीवार बनाई जाए, चलिए हम इसी को बनाते हैं। तो इधर गेट हो जाएगा, उधर खुला रहेगा, तो तब भी इधर का दो चाहिए और अगल बगल का तीन चाहिए। तीन दूना छः, दो आठ, आठ दूनी 16 दीवार चाहिए। 16, आठ तो बन गया इनफैक्ट, फिर आठ देखते बन जाता कि नहीं। आठ बन गया, अब सीलिंग की बारी आई, सीलिंग कितना बनेगा। सीलिंग चार बन रहा है, मतलब पांच और बनाना पड़ेगा। ट्रांसफ़र करते हैं इधर, इधर इधर इधर, फाइबर बड़ी कीमती चीज़, इतना भी नहीं घटना चाहिए था। चलिए फाइबर ढूंढते हैं, फाइबर पर देखते हैं कहीं है कि नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, क्यों ना इस बार हम क्या बढ़ाते हैं, वेट बढ़ाते हैं। फाइबर कहीं है कि नहीं है, फाइबर फाइबर नहीं, हम घर ही तोड़ेंगे। चलिए सारी व्यवस्था हम बना लेते हैं, तब आपसे मिलते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सारे सामान बन चुके हैं लगभग, अभी तो हमारे समझ से तो बन ही चुके हैं। फिलहाल जो भी कमी रहेगी तो हम बना लेंगे। फिलहाल इसको उठाते हैं और इन सभी को यहीं पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको भी ट्रांसफ़र कर दिए, बार बार ये डिफेक्ट ही कर रहा है। अब चलते हैं देखते हैं कैसे बनाया जाए इसको। कैसे बनाएंगे, इस तरह से इसको प्लेस करेंगे। इसको प्लेस करने से पहले गिन लेते हैं, देखते हैं कितने हैं। देखिए उधर दो है, फिर दो है, फिर बीच में फटा हुआ पटरा है। क्लिप पटरे को ही गिन लेते हैं, इस लकड़ी को ही गिन लेते हैं, कितनी लकड़ी लगी है। इधर दो लगा है, दो इधर लगा है, चार दो छः, दो आठ एक नौ, कौन है। अरे डराओ मत भाई। हाँ तो दो चार छः आठ, अरे क्या यार क्या प्रॉब्लम है, कितना डराने बिना चैन नहीं मिल रहा है। कितना लेवल है, कितने लेवल का है तुम, ओनली 3 लेवल। इस तुझको तो मार की तरह मांस निकाल लेंगे। फिलहाल देखते हैं इसके क्या कहते हैं, दो चार छः आठ नौ, मतलब कोई यही बीच का ही होगा। दो चार छः, दो आठ नौ, मतलब पाँच इधर पाँच इधर, नहीं चार इधर चार इधर, बीच का पड़ेंगे। दो दो चार, दो दो चार, ये है बीच का। चलिए इसको देखते हैं।
पहले इसका हाथ का हटाओ, पहले इसका हाथ कटाओ। हाँ, इसको ऐसे उसे सेल्फ अलार्म चालू कर देते ज़्यादा बढ़िया होता। ऑन कर देते हैं, देखते क्या होता। हाँ, ये जस्ट इसी लकड़ी के बीचों बीच है, और इसे हम ऑफ कर देते हैं। वो यहाँ पे छेद भी बना हुआ है, मतलब यही बात है, यही लगाना होगा, मैं यही हमारा इसका मध्य है। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। किधर गया, किधर गया? हाँ यही है, इधर है, इधर जाएगा, इधर नीचे चला जा रहा है। बस इतने लगाना है कि नीचे भी न जाना पड़े। इसका सेंटर ये पीपी कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। चेंज व्यू ऐसे, इसको बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलिए इधर देखते हैं आ जाता है कि नहीं, अगर आ गया तो काम बन गया। इधर भी देखते हैं आ जाएगा तो काम बन गया। थैंक गॉड आ तो रहा है। अब इधर भी देख लेते हैं, आ तो रहा है, बन जाओ, बन गया। यही प्रॉब्लम है, यहाँ हमें नहीं लगा सकते, यहाँ हम नहीं लगा सकते। तब लगाए क्या? एक तो हमारा वेस्ट हो गया। यहाँ से एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, अब क्या करें? इतना मेहनत से आगे लगाए, क्या करें? चलिए ठीक है, अब इतना तो हो गया, अब इसमें हम चलते हैं दीवार ले आके लगाते हैं। दीवार किधर है? इसमें ये रही दीवार। ओह, हमने तो गेट फ्रेम बनाया ही नहीं, इसको हम तोड़ देते हैं। हो सकता है तब तक दीवार बन जाए, तब तक इसको लगा के चलते हैं, ला करके इसे तोड़ेंगे और दीवार लगा लेंगे। इसको इधर उठाते हैं और इसको भी ले चल सकते हैं क्या? हाँ, वेट तो काफ़ी है। चलिए इतना चल रही, काम करके आते हैं। ये रहा, अब क्या करेंगे? इधर लगा देते हैं बाहर की तरफ करके दीवार। अरे डिस्टर्ब मत हो, इधर। ठीक, इधर नहीं लगाएंगे, बाहर बाहर की तरफ लगा देते हैं। क्या ड्रॉप आया क्या? फटाफट लगा देते हैं। लगाने का क्या है, ऐसे सेंटर में आ गया और स्क्रीन पे दोबारा टच कर दो, काम बन गया। कहीं भी स्क्रीन पे टच कर दो, लग जाएगा। देखिए लग रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो लगता चला जा रहा है। चलिए चल देखते हैं वो ड्रॉप कैसा है। वैसे रात तो हो रही है, हमें स्लीपिंग बैग लाना होगा। स्लीपिंग बैग लाना होगा, कोई खतरा तो नहीं होगा? इधर है, एक ठो लेना होगा, और राफ्ट पे लगा करके। ओ इससे लड़ाई लेनी पड़ेगी, अरे
मारने यहाँ से बड़ा लाड में मिल गया ना चटनी प्रसाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चले ठीक है, हम लगा करके सो जाते, उसके बाद देखते हैं, हम यहीं पे सोएंगे, यहीं पे दोनों को तोड़ना है। ठीक है, स्लीपिंग बैग प्लेस, हट जाओ, ये लीजिए। हाँ सोना, अरे भूखे हैं, खा लो खा लो खा लो, हो गया, सो जाओ। पानी भी चाहिए, हाँ नाक भी बज रही, चलो बजा लो बजा लो। अभी सुबह भी नहीं हुई है, प्यास भी लग गई। हमारा ये टूटने भी वाला होगा, भूख भी लग गई। और इसी से ही चलना होगा, ये कपड़े मिल गए, कपड़े मिल गए भाई। चले चलते हैं, अभी सुबह भी नहीं हुई, टेंशन की बात नहीं है, सुबह हो रही धीरे धीरे। अंडर कंस्ट्रक्शन, चलिए जुगाड़ लगाएंगे, देखते हैं इसमें क्या लगेगा जिससे कि वहां भी हो जाए। हमने एक दीवार भी नहीं बनाई है, वाह क्या बात है। देखते हैं, डोर फ्रेम, डोर बन जाएगा तो दीवार बनाने की सोचेंगे। सीलिंग दोनों बनाई है, एक तो बन गया, ये लो। जो बनाना जरूरी था वो बन तो रहा है क्या? हाँ बन गया। चलिए काम शुरू हो गया। इसको हम क्यों लेके घूम रहे हैं, इसे इधर रखो, कभी फटेगा तो काम देगा। ये हाइट भी रख दो, ये भी काम देगा। ये मीट हो गया है, इसमें हमने रखा था, देखते हैं कि नहीं क्या आता रहता है यार, लोग सब टट्टी कर कर कर। इसमें शायद रखा था, हाँ है। चलो ठीक है, हमने क्या उठा लिया इसमें, ये क्या है, ड्रॉप, इसको ट्रांसफर कर दे एक बाले में। वैसे एक दो दो ही पर्याप्त है अंडों के लिए। इसको हाथ में रख लो भाई और इधर हो जाओ ऐसे, यही एक परेशानी है। चले इसकी भी परेशानी का निराकरण कर लेंगे, पहले देखते हैं डोर फ्रेम लगा लेते हैं। किधर है इसका एरो, शायद उधर ही है।
हाँ ठीक ही है, अभी गेट लास्ट में लगा लेंगे। पहले इसको लगा लेते हैं प्लेस, ठीक ओके। घर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है, इधर थोड़ी दिक्कत लग रही है। इधर छत वत लगा लेते हैं, ये रही ऊपर। क्यों ऊपर नहीं लग रहा है यार, हिल डुल क्यों रहा है? मेरी क्या रही क्या? ये लो, हिल क्यों रहा है भाई? गड़बड़ है, यही हिलना प्रॉब्लम हो रहा है। हिलेगा तो प्रॉब्लम करेगा। हिल का प्रॉब्लम कर रहा है। ये लो, कौन स्टाइल कर रहा है यार? ठीक ही लगा है। ये भी ठीक लग रहा है। ये भी ठीक ही लग रहा है। दो इधर इधर लग रहे हैं, बाकी सबको एक कोड लग रहा है। दो ऐसे ऐसे लग रहे हैं, इसको भी तोड़ना होगा। एक एक तो लगाते हैं, इसको हम बना लेंगे ऐसे क्राफ्ट। यही तो फायदा है, कुछ भी तोड़ो फिर उसे को उसी लकड़ियों से, टूटी लकड़ियों से बना सकते हो। देखो बन गया कि नहीं? हाँ हाँ बन गया। एक और है, ऐसे नहीं लगेगा जब आप ऊपर से देखोगे तो लगेगा कि अजीब अजीब लग रहा है, टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है। अगर नहीं लगा तो हम बार बार इसे रिमूव करेंगे। बन गया, अब सबकी लाइनिंग आगे पीछे की साइड में है, कोई अगल बगल से नहीं है। अरे देख के नीचे, हाँ ठीक है। कमाल हो गया, जिस पेड़ पे खड़े हैं उसी को काट रहे हैं, शेख चिल्ली की औलाद। लीजिए, गिर गए, बच गए। चलिए शायद जितनी लकड़ी, कौन बोला? अरे भाई कुछ हथियार नहीं है, किसी को देखो मत। वो छोटू खतरनाक भाग ले क्या? आ नहीं रहा। चलो ठीक है, हम बना लेते हैं एक एक इसको, एक दो वुडन विंडो स्ट्रक्चर, ठीक है। दो तो हमने बना लिए, उसे दो की जरूरत है। और क्या चाहिए? एक हैच बना लेते हैं, हैच।
देखते बन जाएगा क्या? बन गया। इधर मत आना, काम चल रहा है इधर। ओह पहले से हम बना लेते हैं, परेशान कर दिया। इधर देखते हैं, ये लगा लेते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अंदर बाहर आने जाने के लिए। इन दोनों खिड़कियों में हम लगा लेते हैं ये ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, बन गया। जब इसको खोलना होगा तो इसके पास जाओ, ऐसे टच करो स्क्रीन पे, कहीं खुल जाएगा, फिर इसके पास जाओ। अच्छा ये ऑटोमेटिक है, कुछ देर में अपने आप बंद हो जाएगा। अच्छा है, इसको हैच के यहाँ लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है, एक्सेस करने को मिलता है कि नहीं। अरे जगह बच्चा है कि यार। एक्सेस हो रहा है, वाओ काम बन गया, एक्सेस हो रहा है। अच्छा इसमें हम एक खिड़की लगा ले तो, ये भी तो सब ठीक ही ठाक लगा है ना। हाँ वाओ सब कुछ फिट है। अगर इसका हम हैच डोर बना ले तो, HAT CH, गुड। किधर गया हमने? हैच तो है, डोर DOOR, ठीक है, डोर, वुडन डोर, रेनफोर्स ट्रैप डोर, ट्रैप डोर, वुडन ट्रैप डोर, ओपन। इसको कर लेते हैं, बना लेते हैं, इसको रखते हैं प्लेस। वाओ एक्सेस तो नहीं रहा, लेकिन ओपन करने के बाद एक्सेस होगा। मान लीजिए एक्शन कर रहे हो और अगर बंद हो गया, देखिए यही ऊपर से हम कर रहे थे, अगर अगल बगल में होता है, बेड़े साइज में होता तो अच्छा ना लगता, अटपटा लगता। वाह एक तो हो गया, लीजिए लीजिए, ठीक है ठीक है। वाह क्या बात है, अरे हम तो कमाल कर दिए जी, हम तो कमाल कर दिए। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। ड्राइविंग करना हो तो गेट खोलो, तब ड्राइविंग करना है, और अगर ड्राइविंग नहीं करना है तो गेट बंद। आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम चाहे तो इधर एक और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उपाय लगाना पड़ेगा। फिलहाल अब चलते हैं। अच्छा हाँ इधर खिड़कियाँ ज़्यादा लग रही हैं क्या? ज़्यादा तो लग रही है, ज़्यादा तो लग रही है, बनाए रहते हैं खिड़कियों को। इसको लगा लेते हैं पहले, गेट बंद, खिड़कियाँ बना लेते हैं, विंडो विंडो विंडो, ये क्या वुडन विंडो, चलो ठीक है। 1 2 3 4, अभी और एक लग सकती है, लेकिन
ठीक भाई, ज़्यादा लग रहा था। अच्छे अच्छे चारों तरफ से अब कुछ ठीक है। अरे हमें ये भी तो लगाना है। हमें लगाना है ये एलमीरा ऐसे, एक इस कोने में लगाते हैं। ठीक तो लगा है ना, देख लेते हैं। ठीक ही है, चल यान। चलिए, अगर आपको यह नाम ना पसंद आ रहा हो तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में कि आप इसका नाम रखिए, जिसका नाम अच्छा लगेगा हम उसका नाम रख देंगे इसमें। यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है जलयान। वाओ, ठीक है यह भी, लेकिन आप लोग भी जो अच्छा नाम हो इसके लिए दे सकते हैं हमें। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका नाम रखें। कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है? चले ठीक है, हम इसमें से कुछ चीज़ों को रखते हैं, सारी चीज़ों को ले जाकर। अरे इसको तो हमें लगाया ही नहीं। टिकाल नहीं ले जा पा रहे हैं, मेटल छोड़ते हैं पे। हाँ स्टोन भी नहीं, चल बाकी चीज़ों को रख के आते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि अभी हमें करना क्या है, सारे सामान यहाँ से उस राफ्ट वाले में अर्थात मेरे जलयान में शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करके हमें तब हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल मिलेंगे क्या, आप अगले एपिसोड में डायरेक्ट मिलेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोस को देखिए। आप सबका धन्यवाद, आप सबसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय। अरे बोल दे यार।